हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बागड़े से आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल जेके विजन मार्ग। आज हम आपको भारत के एक ऐसे आइलैंड की सैर करवाने वाले हैं, जिसे देश की यूनियन टेरिटरी में गिना चाहता है। शान बीचेस और नेचर के लिए फेमस इस जगह को अपने देश में शामिल करने के लिए पाकिस्तान को भारत के साथ वार जैसा माहौल भी बनाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान इस जगह को भारत से नहीं छीन पाया। भारत की बाकी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ और नारियल इसी आइलैंड पर उगाए जाते हैं। ये एक ऐसा आइलैंड है जो बिल्कुल मालदीव जैसा लगता है। पहली बार देखने पर तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप सच में मालदीव आ गए हो। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ का कल्चर, फूड और यहाँ होने वाले फेस्टिवल्स काफी ज्यादा खास है। यहाँ एक ऐसी बोट रेस का आयोजन होता है जो ओलंपिक खेलों में आयोजित होने वाली बोट रेस की तरह लगती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। एक ऐसी जगह है जो भारत को इस साथ है दूसरे देशों में काफी पॉपुलर है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए चिसे और निकलते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम के अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो कई सारे आइलैंड से बना है। ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज में शामिल है और उनमें से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों की फुल पॉपुलेशन है करीब 66,000। आबादी के लिहाज से भी लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के करीब 90% हिस्सा जंगलों में घिरा हुआ है। शांत बीचेस के साथ ये जंगल लक्षद्वीप को और भी ज्यादा सुंदर बना देते हैं। लक्षद्वीप का मलयालम और संस्कृत भाषा में अर्थ होता है 1000 द्वीप का समूह। ये करीब 36 द्वीपों का एक समूह है और इस एक स्थित में प्रमुख द्वीप मिनिकॉट और अमिल लिलिया है, लेकिन इन द्वीपों पर केवल 10 द्वीपों पर ही आबादी है, जबकि 6 द्वीपों पर ही टूरिज्म का कारोबार होता है, जिसमें केवल 3 द्वीपों जैसे कि अगाती, कदमत और बांगरम, इन पर ही विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति है। इसके अलावा दोस्तों, कई प्रमुख शहर लक्षद्वीप के किनारे स्थित है जो इसे बिजनेस और टूरिज्म के लिहाज से काफी अहम मनाते हैं। केरल के पास होने की विषय से लक्षद्वीप के लोगों में भी केरल की बोली ही नजर आती है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा में बात करते हैं, लेकिन मिनिकॉय क्षेत्र में सभी लोग दिवेही नामक भाषा का प्रयोग करते हैं। लक्षद्वीप में 96% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है। दरअसल पहले इस जगह को एक इंडिपेंडेंट आइलैंड माना जाता था। यहाँ रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा मुस्लिम थे और ज्यादातर आबादी मुस्लिम थे। पाकिस्तान ने इसको अपने कब्जे में करना चाहा, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकामयाब बनाया और इसी वजह से भारत सरकार ने सभी द्वीपों को मिलाकर एक कर दिया और इसे लक्षद्वीप राजधानी होने के साथ ये जगह प्रदेश की सबसे अहम जगहों में एक है और सबसे ज्यादा लोग इसी शहर में रहते हैं। दुनिया की सबसे सुंदर सफेद रेतों वाले बीचेस इसी शहर में है। ये द्वीप लक्षद्वीप समूह के सबसे विकसित द्वीपों में से एक है। लक्षद्वीप की ट्रिप पर आए लोगों का मानना है कि अगर एक शांत बीच का आनंद लेना है या वाटर एक्टिविटीज के लिए बीचेस को चुनना है तो कवरदी उनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आप यहां जाने की योजना बना रहे हैं तो कवरदी द्वीप की यात्रा के लिए। इस द्वीप के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि यह लगभग 52 मस्जिदों का घर जाता है कि अरब के एक संदीप अबेदुल्ला है। मक्का जाते हुए लक्षद्वीप समूह पर आए और उन्होंने सभी लोगों को इस्लाम धर्म की दीक्षा रहे हैं, इसलिए इन द्वीप समूह में बड़ी संख्या में मस्जिदें देखने को मिलती हैं। यह मस्जिदें आम मस्जिदों से आगे यहाँ स्थित मस्जिदों के बारे में दावा किया जाता है कि इनका निर्माण 17वीं शताब्दी में उन आक्रमणकारियों द्वारा किया गया है जो कुछ समय के लिए द्वीप पर है रहे थे। ये तो था यहाँ का कैपिटल। चलिए अब आपको लक्षद्वीप की एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जिसके दीवाने दुनिया भर में है। दोस्तों, इस जगह का नाम है मिनिकॉय आइलैंड, जिसे भारत का मालदीव कहा जाता है। इस आइलैंड को मलीगो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। देश की किसी भी दूसरे हिस्से से ज्यादा नारियल लक्षद्वीप में उगाए जाते हैं। यहाँ पर हेक्टर करीब 22,310 नारियल पैदा होते हैं। विश्व के दूसरे नारियलों के मुकाबले में यहाँ पर नारियल के रेशे से रसिया, कॉरिडोर मैट, चटाया एवं दरिया आदि का उत्पादन होता है। ये सभी चीजें हैं जो टूरिज्म के अलावा लक्षद्वीप की इकॉनमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है।
दोस्त, भारत में कुछ ही जगह ऐसी है जहां जाकर आप रेत, सूरज और बाटसफिन का मजा एक साथ दे सकते हैं। लक्षद्वीप उन गेटवे में एक है। आंसू के हगार का दिखने वाला बंगारम बीच लक्षद्वीप समूह का ही हिस्सा है। एक खास तरह के समुद्री जीव पानी में होने के चलते बंगारम बीच रात के समय चमकता है। यहाँ जाकर आप स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग जैसी कई दूसरी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। ये द्वीप करीब 2.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है जो कोरल रीफ से घिरा हुआ है। लक्षद्वीप का कल्चर काफी अलग है दोस्तों। हालांकि ये भारत के कई दूसरे बड़े राज्यों से मिलता जुलता है, लेकिन जब यहाँ किसी भी फेस्टिवल की शुरुआत होती है तो लक्षद्वीप एक अलग ही आइलैंड बनकर सामने आता है। यहाँ त्योहार धार्मिक रिवाज और परंपरा के साथ मनाए जाते हैं। महुएडम, बकरीद और मिला दुम्बी के साथ विदुल फित्र लक्षद्वीप में काफी ग्रैंड तरीके से मनाए जाते हैं। केरल के समीप होने से यहाँ के रिवाज और परंपराएं केरल से प्रभावित हैं। पर लक्षद्वीप की यात्रा मिनिकॉय फेस्टिवल के बिना अधूरी मानी जाती है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो आपको दुनिया के किसी में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपको इससे मिलता जुलता कुछ देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन मिनिकॉय फिर भी काफी अलग है। इसका आयोजन जनवरी के महीने में किया जाता है। मिनिकॉय एक तरह से लक्षद्वीप के लोगों के लिए न्यू ईयर की तरह होता है। ये एक ऐसा समय है जब लोग जश्न मनाने, मेल जूल बढ़ाने और अच्छी मेमोरीज बढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं। यह फेस्टिवल लोगों को इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि इस दिन लक्षद्वीप में एक बोट रेज का आयोजन होता है। देखने में ये बोट रेज कुछ ऐसी ही लगती है जैसे किसी ओलंपिक रेज का आयोजन किया जा रहा होगी। मैंने कोई फेस्टिवल का हिस्सा बन सके तो दोस्तों, ये तो थी यहाँ के फेस्टिवल के बाद। चलिए अब आपको बताते हैं लक्षद्वीप जाकर आप क्या कुछ खा सकते हैं और यहाँ के लोगों को क्या पसंद है। लक्षद्वीप में मिलने वाला भोजन दक्षिण भारतीय खान पान से प्रभावित है। सबहे नाश्ते में अप्पम, डोसा, इडली खाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। दोपहर के भोजन के लिए पत्ता गोभी, ओलान, परिप्पो करी ये पसंद किए जाते हैं। नारियल पानी पीना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको हर कोने पर नारियल पानी पीते हुए लोग नजर आ जाएंगे, इसलिए मेडिकल स्टोर में कई स्थान नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो अपने साथ दवाइयां लेकर जाएं। इसके अलावा अपने साथ सनब्लॉक, टोपी, धूप का चश्मा और वाटर एक्टिविटीज से जुड़ी हुई चीजें जरूर लेकर जाएं। ध्यान रहे दोस्तों कि लक्षद्वीप पर शराब लेकर जाना काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लक्षद्वीप जाते समय जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ जितने भी बीचेस हैं वहाँ आप खुले में बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते हैं। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। यहाँ लोग अलग अलग द्वीपों में रहते हैं और एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने के लिए पानी के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए लक्षद्वीप की सरकार की ओर से शिपिंग को लेकर अच्छी व्यवस्था की रहे हैं, जिसमें अलग अलग नामों के जरिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जा सकते हैं। इस द्वीप पर रहना सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि जितनी छोटी से छोटी जगह है उतना यहाँ का क्राइम रेट भी काफी कम है। लक्षद्वीप की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट के अनुसार अभी तक हत्या के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। अब ऐसे में इस आइलैंड पर जाकर आखिर कौन नहीं रहना चाहेगा। लक्षद्वीप टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है, तो कि आप यहाँ किसी भी मौसम में चले जाए आपको यहाँ ज्यादा गर्मी देखने को नहीं मिलेगी। गर्मी के मौसम में भी यहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा नहीं रहता। चले दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप लक्षद्वीप कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ घूमने का सबसे सही समय कौन सा है। अक्टूबर से मई के बीच का समय लक्षद्वीप में घूमने के लिए सबसे सही समय माना जाता है क्योंकि तब यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी। लक्षद्वीप का एकलव्यता डोमेस्टिक एयरपोर्ट एक्ती एरोड्रोम है जहाँ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। अगर आपको ट्रेन से लक्षद्वीप जाना है तो आप केरल में स्थित नस्ती वेलियो स्टेशन एर्नाकुलम तक जा सकते हैं, जहां से आप क्रूज के जरिए भी लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट है तो आप इस ऑप्शन को भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत लक्षद्वीप, एक ऐसा आइलैंड जहां जाना हर किसी का सपना होता है। अगर आपको कम बजट में मालदीव जैसे मसे लेने हैं तो इस जगह को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। अगर आप पहले ही लक्षद्वीप की यात्रा कर चुके हैं तो आपको यहाँ की सबसे खास चीज क्या लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिल्देन, बाय बाय और टेक केयर।